उन लुटेरों ने शहर के एक नामी सराफा कारोबारी को अपना शिकार बनाया था। वो व्यापारी के लाखों रुपए के जेवर लूटकर फरार हो गए। इस वारदात से पुलिस की साख पर भी तकड़ा बट्टा लगा, लेकिन तीसरी आंख ने सुराग दिया और लुटेरों के गिरेबान तक पहुंच गए कानून के हाथ। चेहरे पर नकाब, हाथों में हथकड़ी, ये तस्वीरें व्यापारी पर फायरिंग कर उससे लूट की वारदात को अंजाम देने वाले शातिर बदमाशों की हैं। इन बदमाशों ने 4 मई को सर्राफा व्यापारी वैभव सोनी से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। शहर के नामी व्यापारी से लूट की वारदात से जहां एक तरफ जिले की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान उठ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ व्यापारी भी खौफ में थे। वारदात को अंजाम देने वाले 4 बदमाश उत्तर प्रदेश के झांसी इलाके के बाशिंदे बताए जा रहे हैं, जबकि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड 3 साथियों के साथ फरार है। पुलिस जिसकी तलाश कर रही है। इसमें जो मुख्य मास्टरमाइंड है, ये भोला कुशवाहा रिक्शा फाटक थाना कोतवाली का रहने वाला है, जिसके ऊपर पूर्व में डकैती जैसे 4 गंभीर अपराध दर्ज है। इसमें जो दूसरा आरोपी दीपक कुशवाहा, ये पांडरी थाना नवाबाबाद उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, इसके ऊपर भी लूट और डकैती गृह विभेदन के करीब 6 आरोपी दर्ज हैं, आरोप अपराध दर्ज हैं। संजू कुशवाहा भी पुराना हमारा रिकॉर्डेड क्रिमिनल, जिसके संबंध में अभी हम डेटा गैदर कर रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई से व्यापारियों में खुशी का माहौल है, उन्होंने मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया है। साथ ही पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई के लिए उन्होंने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र का भी शुक्रिया अदा किया है। दादा के साला गुंडे दतिया सराफा भैया पूरा भैया, दादा के पास जब ये खबर पहुंची है कि ऐसी ऐसी घटना हुई, उन्होंने तुरंत एसपी साहब को सभी स्टाफ को जो भी है उन्होंने सचेत किया, पर एक दिन के अंदर जो डकैती है आप लोगों ने पकड़ी है, इसके लिए आप लोग बहुत बधाई की पात्र हैं। 4 मई 2023 को कुछ बदमाशों ने दतिया के सराफा व्यापारी वैभव सोनी पर फायरिंग कर उसके पास मौजूद आभूषण से भरा बैग छीन कर फरार हो गए थे। लूट की वारदात पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई थी। करीब 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद पुलिस के हाथ वारदात की तस्वीरें लगी, जिसके बाद इसकी मदद से आरोपियों की तलाश शुरू की गई और जल्दी ही उसके हाथ गिरोह के गिरेबान तक पहुंच गए। पुलिस कर्मियों ने लगातार उस रात 100 से ज़्यादा कैमरों को चेक किया, कंट्रोल रूम की टीम ने कंट्रोल रूम के कैमरे चेक किया। इसमें 3 लोगों के संबंध में हमें प्रारंभिक घटना कार्य करते हुए एक वीडियो फुटेज प्राप्त किया गया, जिसको हमने आसपास के सभी 30 से 35 थाना क्षेत्रों में शेयर किया, जिसके बाद हमें इनकी पहचान संबंधी कुछ अहम सुराग हासिल हुए। साथ ही हमारी साइबर टीम ने जो इसमें टेक्निकल डेटा था वो कलेक्ट किया और रात में ही उसका जो एनालिसिस था वो चालू किया और दोनों डेटा को हम लोगों ने कोलैबोरेट किया। हालांकि इस केस का मास्टरमाइंड अपने 3 साथियों के साथ फरार है, इसकी पुलिस बड़ी शिद्दत से तलाश कर रही है। अब देखना यह है कि पुलिस के हाथ मास्टरमाइंड और उसके फरार साथियों तक कब तक पहुंचते हैं। अरुण मिश्रा, IBC 24, दतिया।